सालाना परीक्षाओं से पहले इन दिनों सभी स्कूलों में एनुअल फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जेके मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। वे ऑफ इस्लाम थीम पर आधारित यह कार्यक्रम रवीन्द्र नाट्य सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने कई धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें माँ की महिमा और तीन तलाक कार्यक्रम खासा सराहा गया। कार्यक्रम के अवसर पर शहर काजी डॉक्टर इरशाद अली, अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन शेख अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेख शाबिद विशेष रूप से मौजूद थे। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो आपसी जिरह चल रही है और अभी उसको लागू करने पे सभी अलग अलग धर्मों के जो विचारक हैं वो एक आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो शायद वो भी अब लागू नहीं हो रहा है। तो उस मुद्दे को भी लेकर हमने मतलब बच्चों के माध्यम से किया है और इस्लामिक, चूँकि हमारे देश इस प्रोग्राम का भी इस्लामिक वे में एनुअल पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन इन इस्लामिक वे, तो कुछ कव्वाली के प्रोग्राम्स भी हैं, कुछ तकरीर के प्रोग्राम्स भी हैं। इंदौर से एकमात्र कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो अपने विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों की आम समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पालदा पहुंचे थे। उन्होंने पालदा में ड्रेनेज, बिजली और नर्मदा पानी की लाइन डालने जैसी समस्याओं के लिए कार्यकर्ताओं और रहवासियों के साथ चक्का जाम किया। उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ रही है। सुबह कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने चक्का जाम कर गिरफ्तारी दी। शाम को कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम का घेराव कर दिया। कांग्रेस पार्षद दल ने भेदभाव की कार्रवाई करने, सड़क चौड़ीकरण में हटाए गए मकान मालिकों को मुआवजा राशि और मकान दो, 29 गांवों को पानी, स्ट्रीट लाइन, ड्रेनेज, उद्यान सुविधाएं, निगम परिषद की बैठक हर 2 माह में आयोजित करो, लंबित फाइलें निपटाएं, शहर को कुत्तों आवारा पशुओं से मुक्त करो आदि मांगों को लेकर नगर निगम में महापौर के बाहर आंदोलन किया। सभी लोगों से, रहवासियों से मेरी व्यक्तिगत चर्चा है, इतनी चर्चा मैंने कभी कहीं नहीं की है जितनी वहाँ की है, किंतु कई जगह गणेशगंज में, सुभाष मार्ग में, डियाबाजी में, मूसाखेड़ी में लगभग 60-70% लोगों ने स्वयं हटा लिए थे अतिक्रमण, किंतु यहाँ पर मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने समझाने के बावजूद भी लोग नहीं हटाए। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर लिटिगेशन है मैटर, तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उस अनुसार करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा उस प्रकार से करेंगे। पर हम लोगों ने लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया, ये स्पष्ट किया हर बार कि 80 फुट से 1 इंच कम नहीं होगी सड़क, सभी बार 12 बार मीटिंग हुई, हम लोगों ने 12 बार बोला उनको। तो जो नियम प्रक्रिया की बात है, नियम प्रक्रिया चल रहा है, पूरा नगर निगम नियम प्रक्रिया चल रहा है। मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, जो नहीं कर रहे हैं बहुत 90% लोग होंगे। अगर कोई ऐसा कर्मचारी है, ऐसा कोई मस्त कर्मी है जो काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम डेप्यूटी से कार्रवाई करते हैं, पर मेजोरिटी लोग 90% से ऊपर हमारे नगर निगम अधिकारी करते हैं, 10 घंटे से ऊपर इस समय काम कर रहे हैं। विरुद्ध लगा हुआ है रिगल चौराहे पे और गांधी जी के सामने लगा हुआ है। सबसे पहले तो महापुरुष गांधी जी, बापू जिसको कहा जाता है, उनका अपमान किया जा रहा है। उनके फोटो के, उनके तस्वीर, उनकी मूर्ति के आगे महापौर जी का बैनर लगाना बहुत गलत है, जो कि पूरे शहर में लगे पड़े हैं। इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैंने एक्ट निकाला, एक्ट अनुसार ये है कि इसके 26 से 27 मीटर दूर तक कोई भी बैनर पोस्टर लगे होना चाहिए। आज हम फिर देखते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ महापौर जी फिर से अपना पोस्टर लगवा देती है स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 आने में। तो ये सारी मेहनत तो आयुक्त महोदय कर रहे हैं, या तो फिर इनका फोटो लगा दीजिए आप। किसान किराना द्वारा किराना और किसान के बीच सेतु का काम किया जा रहा है। किसानों को उनकी उपजों का उचित मूल्य मिले और खेरची दुकानदार भी बेहतर व्यवसाय करें, इसके लिए सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में इन नई अवधारणाओं पर विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी। किसान किराना, इसके लिए किसानों और किराना दुकानदारों की वृहद श्रृंखला तैयार कर, जिसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। एक विजन निकाला अपना कि हम किसानों को सीधा जोड़ेंगे किराना वालों से, ताकि किसान को मिले गौरवपूर्ण जीवन और रिटेलर को मिले एक सही दाम। तो ये पूरा विजन है हमारा कि किसान को डायरेक्ट किराना से कनेक्ट कर देना, और क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, जैसे आप देखेंगे जो चेहरे पे क्रीम लगाते हैं तो हम कंपनियों की क्रीम लगाते हैं, पर दाल आपको नहीं पता होगा आप कौन सी कंपनी की दाल खाते हैं। तो आदमी जो लगा रहा है वो सोच समझ के लगा रहा है, लेकिन जो खा रहा है वो नहीं आ रहा। आज जहां हर इंसान अपने निजी स्वास्थ्यों की पूर्ति पर लगा रहता है, वहीं 70 वर्षीय दुर्गा प्रसाद के हौसले को देखकर लगता है कि आज भी मानवीयता का भाव चंद लोगों में बरकरार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल के रहने वाले दुर्गा प्रसाद शर्मा की, जो उम्र के इस पड़ाव में भी विश्व शांति और सद्भावना अलग जगाने कन्याकुमारी से लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पैदल करने जा रहे हैं। इसके पूर्व भी दुर्गा प्रसाद 5 बार नर्मदा यात्रा एवं पंचकोशी यात्रा भी कर चुके हैं। रास्ते पर वह आपसी प्रेम की सीख भी लोगों को देते जाते हैं।
जब हमने उनसे बात की और उनके हौसले को जाना तो उन्होंने कहा कि देश में अस्थिरता का माहौल है, लेकिन हम आपसी प्रेम को बढ़ावा देने, लोगों में संवेदना की भावना जागृत करने हेतु इस यात्रा को अंजाम दे रहे हैं। तो हम इस देश के लिए निकले हैं कि पूरा शांति व्यवस्था हो, शांति में रहना चाहिए, भाईचारा बना रहे, और कन्याकुमारी से वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा पे हम निकले हैं इसी उद्देश्य से कि सुख शांति बनी रहे, अच्छा माहौल रहे। इस समय हम नरसिंहपुर में आ चुके हैं, नरसिंह भगवान को हम प्रणाम भी करते हैं प्रभु, और हमारा 2000 किलोमीटर हम अभी तक चल चुके हैं नरसिंहपुर तक, कम से कम और 97 दिन हो चुके हैं, और अभी हमारे को 2000 किलोमीटर और चलना है तब जाके हमारी पूरी होगी। तो पैदल ही चलते हैं आप? हाँ जी, हम बिल्कुल पैदल चलते हैं, और जरा सा भी हमने गाड़ी का सहारा 1 किलोमीटर का भी फिलहाल नहीं लिया है।